लालच, साहस, सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। और अयोध्या जनपद में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां इस मंदिर की छत नहीं है। खास बात यह है कि जिसने भी इस मंदिर की छत डलवाने की सोची उसके साथ अप्रिय घटना हुई। तो चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में। अरैया का प्राचीन नागनागिन मंदिर, जिसकी कभी ना डाली जा सकी छत। मंदिर में रहते हैं नागनागिन के जोड़े। नागपंचमी के दिन दूर दूर से यहाँ आते हैं लोग। मोहम्मद गजनवी ने खंडित करवाई थी मूर्तियां। भारत देश वर्षों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। न जाने ऐसे कितने पवित्र स्थल हैं जिनकी कहानी सुनने के बाद यकीन कर पाना भले ही मुश्किल हो, लेकिन इन पवित्र स्थलों की सच्चाई पूर्वज व उस स्थान के रहने वाले लोग बयां करते हैं और सच्ची घटनाओं के बारे में बताते हैं जिस पे यकीन करना पड़ता है। औरैया जिले के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के सेहुदा गांव में भी एक ऐसा प्राचीन नागनागिन का मंदिर बना हुआ है जिसकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सेहुदा गांव के लोगों का मानना है कि इस मंदिर को देवताओं ने बनवाया था, जो रातों रात बनकर तैयार हुआ था, और तब से ही इस मंदिर की छत नहीं थी। ये है कि कन्नौज तक जो है वो सुरंग गई है और इसके जो है नागपंचमी का वो मेला लगा रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, सब लोग करें, बहुत दूर दूर के आउट हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और यहाँ की मरम्मत नहीं हो सका है, ना छत पट सका है, जैसी है तैसी पड़ी है। बताइए ना, देवता ने बनाया था, देवता ने चकिया जो है वो औरतों ने धरा ठोंक दो, इसलिए जो है वो मतलब छत सबीरों को देवतन को बनाओ, वो कोई बना नहीं सका। और अभी इसकी छत और इस मंदिर का नव निर्माण नहीं हो पाया है। जिसने भी इस नागनागिन मंदिर की छत डलवाने को सोचे उसके साथ बुरा ही हुआ, या कहीं उसके घर का वंश ही नहीं बचा। तो वहीं इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय मंदिरों की तोड़फोड़ का प्रतीक है। साथ ही मंदिर के अंदर आज भी खंडित मूर्तियां रखी हुई है जिनकी गांव के लोग ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आकर पूजा करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। मैं तो ये कहा, हम तो हमारे गाँव पहले से बना है मंदिर, हम पैसे नहीं भरे हुए। नाग देवता की पूजा होती है, मेला लगता है यहाँ पर नाग पंचमी को, सब पूरी जनता मोदी की, बाहर के पहलवान भी आते हैं, दंगल भी लगता है, पता नहीं वो भगवान जी रखते ही नहीं है। उसके साथ क्या है कि दुर्घटना हो जाती है। अच्छा, मंदिर देखने में किसी खंडहर से कम नहीं लगता, जहाँ चारों तरफ घास है, तो वहीं पुरानी ईंटों से बना मंदिर इस मंदिर की निशानी बना हुआ है। गांव के लोग और मंदिर के पुजारी का कहना है जो व्यक्ति इस मंदिर में छत का निर्माण करता है यह सोचता भी है उसकी मौत हो जाती है। तो उधर ये भी कहा जाता है कि कन्नौज के राजा जयचंद्र की इस मंदिर के प्रति विशेष आस्था थी। यहाँ नाग पूजन करने के लिए वो खुद आया करते थे। उस समय राजा जयचंद ने मंदिर पहुंचने के लिए एक गुप्त सुरंग का निर्माण भी कराया था, जो आज भी मंदिर में गुप्त सुरंग बनी हुई है। वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि दिव्यापुर के एक बड़े बर्तन व्यापारी ने जब इस मंदिर की छत डलवाने की सोची तो कुछ समय बाद उसके दोनों बच्चों का निधन हो गया और ये सब नाग पंचमी से पहले हुआ। तब से आज तक कोई भी इस मंदिर में छत डलवाने की हिम्मत भी नहीं करता है। कहा यह भी जाता है कि भले ये मंदिर खुला है लेकिन यहाँ की ईंट, मूर्ति या कोई भी चीज अपने साथ घर पर नहीं ले जा सकता। जिसने भी ऐसा किया उसके सामने ऐसे हालात पैदा हो गए कि उसे वापस वो चीज रखने वहां आना पड़ा। कहते हैं सन 1957 में जब इटावा जिले के एक उच्च अधिकारी इस मंदिर से एक मूर्ति ले गए थे, लेकिन कुछ समय बाद उनको वो मूर्ति वापस रखने के लिए वहां आना पड़ा।
नाग पंचमी पर इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर और गांव में मेला लगता है। दूर दूर से लोग मंदिर में जल दूध लेकर दर्शन को आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, और मांगी गई मन्नत भी जरूर पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम टीवी। तो हमारे देश में कई ऐसे खास मंदिर हैं जिनकी अलग ही महिमा है। हमने एक और मंदिर के बारे में आपको बताया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही और मंदिरों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।